आई थिंक सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक इट्स शेमफुल कि फॉर अ लेडी, कि एक औरत पे जिस पे ऐसा कुछ होता है जिनके साथ, वो अकेली आकर बाहर बात करने से भी डरती है जब तक कि कोई और विक्टिम ना बन जाए, उनको ग्रुप में आना पड़ रहा है. मतलब वाई बी वेटिंग फॉर नंबर ऑफ वुमेन टू इंक्रीज हु बीन सेक्सुअली अब्यूज और असॉल्टेड, वाई कांट अ सिंगल वुमन कम एंड टॉक. तो ये शर्मनाक बात हमारी सोसाइटी के लिए. एंड मी टू इज़ अ गुड मूवमेंट. जिन्होंने गलत किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए. आई थिंक द बिगर द नेम द बिगर द पनिशमेंट शुड बी, ताकि लोगों को पता चल जाए वो अपने अहदे का, नाम का, पोजीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते. लेकिन इसके प्रो एंड कॉन्स भी होते हैं. देख, दूसरी साइड ये भी है कि हो सकता है कि कोई अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए किसी यू नो बेकसूर आदमी का भी नाम ले ले. एंड आज सोसाइटी सच अफसोस इस बात का है कि बिकॉज एक औरत ने कुछ कहा है तो हम सब, हमारा पहला इंटेंशन ये होता है कि नहीं, औरत सच्ची बोल रही है, झूठ नहीं बोल सकती, आदमी ने कुछ किया होगा. तो इसके दोनों पहलू हैं, अच्छी बात भी है, बुरी भी है. बुरी ये है कि किसी अनजान, किसी बेचारे बेकसूर को फंसना नहीं चाहिए इसमें. यू नो देयर कुड बी अ वुमन टुमारो जिसकी शायद जो मुझसे नहीं बनती, या मेरे से जो काम चाहिए था उसको नहीं मिला, और बदनाम करने के लिए उसने मीडिया में बोल दिया कि भाई चलो इन्होंने मेरे साथ फलाने का कुछ किया है. और हमारे पास भी ऐसे अफसोस है इस बात का है कि छोटी सी खबर का ना पतंगड़ बन जाता है बहुत बड़ा, बिना किसी सबूत के. हालांकि बाद में क्लियर हो जाता है, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता उस दौरान ना दैट पर्सन हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल, जिनके बारे में से बड़ी बातें हो रही हैं. काफ़ी सारे डायरेक्टर्स का नाम इसमें अभी आया है और कुछ एक्टर्स का भी नाम आया है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में ये मतलब शुरू से ट्रेंड था या अचानक बात बाहर आ गई है, क्या हुआ? ट्रेंड तो नहीं है, बट पॉइंट ये है कि क्योंकि इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो नामचीन है, फेमस हैं, इसलिए उनके नाम हो, उनके नाम से खबर बनती है. एक आम आदमी का अगर मैं नाम लूँगा कि यहाँ कोई सुरेश नाम का बंदा है, तो शायद आपको पता भी नहीं होगा, या तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा मीडिया को कि कौन सुरेश, क्या पता करें. बिकॉज इट्स अ सेलिब्रिटी और इट्स अ वेल नोन पर्सन और इट्स अ डायरेक्टर, इसलिए इतना इंटरेस्ट जागता है लोगों में भी कि क्या किया. बेसिकली ये लोगों को सिर्फ गॉसिप चाहिए, ये चर्चा का विषय है, ये कोई किसी को कोई सोशल इशू नहीं है. अरे साजिद खान का नाम आया, किसी को साजिद खान से खुन्नस नहीं है, लोगों को ये जानना कि साजिद खान ने क्या किया था, बता ना जरा. तो शर्मनाक बात यह है कि हम गॉसिप ढूंढ रहे हैं उसमें. द पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन, दिस हैज टू स्टॉप. जिसने काम किए हैं ऐसे गंदे काम किए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी बेकसूर को फंसना नहीं चाहिए, दैट शुड बी इंटेंशन. और ये मी टू तब तक चलना चाहिए जब तक नो वन लेफ्ट मूवमेंट आ जाए एक बार, कि अब कोई नहीं, इंडिया हैज़ बिकम अ बेटर कंट्री वेयर वुमेन कैन बी रिस्पेक्टेड. शर्म की बात है ना, नवरात्रि चल रही है, 9 दिनों हम एक औरत की पूजा करते हैं और पूरे साल उसी औरत का शोषण करते हैं. सो हमसे बड़ा हिपोक्रेट, हमसे बड़ी हिपोक्रेट कंट्री कोई हो सकती है? अली, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे राइट सेम चीज़ है कि अगर मीटू अगर आया है तो उसका हल भी निकलेगा. ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मीटू चल रहा है तो अब सब मीटू करते हुए ना लाइन ना लग जाए. तो बेस्ट वही हो सकता है कि उसका हल आ जाए कि अगर ऐसा हो रहा है तो. और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी का नाम लिया गया तो पूरा अच्छे से जाने. अभी क्या होता है, किसी का नाम लेते हैं और लोग गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं. सो पता होना चाहिए कि सच में वो है कि नहीं है. मतलब ऑलरेडी अब मुझे नहीं पता कि, देखिए हम यहाँ बैठे हमें नहीं पता कि क्या सच है, ठीक है. लेकिन अगर नाना पाटेकर जी को ले लो, उनके बारे में लोग इतनी गालियाँ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की नज़र में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है. यू नो एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बींग, जैसे उन्होंने जितना किसानों के लिए जितना उन्होंने किया है, जितना वो करते हैं, इतने बड़े स्टार होकर भी वो 1 BHK में रहते हैं. लाइक अब हमें नहीं पता सच्चाई क्या है, बट ऐसे बिना देखे बिना सोचे इतनी गालियां दे देनी है इतने बड़े एक्टर को, आई डोंट थिंक सो कि जब तक सामने ना आए कोई चीज़ तो ना किसी को उनकी गाली देनी चाहिए. दरख्वास्त करूँगा कि इंक्लूडिंग द मीडिया एंड द पीपल के जो न्यूज़ खबर पहुँचाते हैं, जो खबर देखते हैं, कि जब तक आपको पूरी तरह पता ना हो कि कोई इंसान ने कुछ किया है, आप बेकार ही पब्लिक में जब उसे गालियाँ देते हैं ना, तो उस इंसान को तो असर होता ही है, प्लस उस इंसान का जो खानदान है, परिवार है जो घर पे, उन पे भी इस बात का बुरा असर पड़ता है. सो यू गॉट टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू रिएक्ट. हाँ, लेकिन अगर किसी ने गलती की है तो फिर छोड़ो मत, तो कपड़े उतार के नंगा करके मारो, रोड पे मारो. गलती नहीं की है तो फिर उसको प्लीज एक साला भी बोलना फिर पाप है ना. अगर आपको पता नहीं है कि क्या है, एग्जैक्टली, हम दोनों खड़े, हमें नहीं पता है कि वो सच है कि नहीं है. लाइक हम नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत बोल रही हैं या वो गलत, लेकिन गिवन दैट हमें पता नहीं क्या. बट गिवन दैट ऐसे जिसने भी ये मी टू मूवमेंट कैंपेन शुरू किया है उनको बहुत बड़ा थैंक यू. एंड आपकी वजह से इतने सारे जो काली करतूते जो होते हैं ना, गंदे काम जो हुए हैं, वो आज पब्लिक की आंखों में आए हैं, न्यूज़ की आंखों में, मीडिया की आंखों में आए. एंड उम्मीद करता हूँ कि इनके नाम और इनको सज़ा मिलने के बाद शायद ही कोई ऐसा कुछ करने की सोच पाएगा. सो थैंक यू फॉर कोई गलत बंदा ना फंसे, बस ये चीज़ हो कि yes, कोई बेचारा exactly. बेकसूर आदमी ना फंसे. जैसे जिनका नाम आ रहे हैं उनको मीडिया के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए. 100% मैंने वही बताया ना, मैं वही बताया ना कि हो सकता है कि इनमें से जिनके नाम आए उनमें से भी कोई बेचारा बेकसूर हो, बेकारी नाम खींचा गया है, तो उनको भी हक है. दुश्मनी भी होती है ना, क्या पता किसी को दुश्मनी हो किसी जी. दस भाई साहब 10 साल हो या 20 साल हो, शोषण शोषण होता है. पॉइंट यह है कि अगर एक औरत ने अपना पक्ष रखा है तो एक मर्द को भी पूरा हक मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने.
रखेगा, अगर गलती की है तो फिर पक्ष ना ही रखे तो बेहतर है, वरना फिर जूते भिगो भिगो के मारेगी पब्लिक। कुछ लोगों ने जैसे कि कमेंट किया इस इशू को लेकर, या जैसे डायरेक्टर्स का जिनका भी नाम है उस पर, कुछ एक्टर्स ने बॉलीवुड के ए लिस्ट डायरेक्टर्स ने कमेंट किया, लेकिन अदिति रावत्री ने रिसेंटली ट्वीट किया कि जो लोग बोल रहे हैं वो खुद इसमें फंसे हुए हैं, इट्स लाइक अ हिपोक्रेट। सी आई टेल यू व्हाट पॉइंट इज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअली अब्यूजिंग और क्या बोलते हैं उसको, हैरेसिंग समबडी एंड हैविंग समथिंग विद कंसेंट। अगर आपका किसी के साथ कंसेंट, दोनों मतलब जो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी एक्टिविटी में, अगर दोनों की रजामंदी है तो फिर उसे सेक्सुअली हमने अब्यूज़ नहीं किया है। सो देयर टू डिफरेंट थिंग्स। लोगों को ना बहुत गलत फहमी होती है यार, मतलब फॉर एग्जांपल है ये बंदा तो खुद यार, मतलब जब देखो लड़कियों से घिरा होता है, ये क्या बात कर रहा है। पर भैया वो लड़कियों से घिरा होता है, वो दोनों लड़का और लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। ये ज़बरदस्ती किसी का हाथ पकड़ा है, छेड़खानी नहीं की। तो ये जो मीटू मूवमेंट है ये उनके लिए है जो ज़बरदस्ती लड़की की जब इच्छा नहीं होती ना बोलने के बावजूद जो कोशिश करते हैं, ये उनको एक्सपोजर। लड़की उनका अपना मुंह बंद रहा होता है काफ़ी साल तक और वो खुल गया है, तो वो एक अलग बात है। बट कोई अगर अपनी पता नहीं है ना, जैसे भी हिमानी शिवपुरी जी का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था दो तीन दिन पहले शायद कहीं था, उसमें उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि हो सकता है कि किसी दिन मैं भी अपने किस्से बाहर निकालूं। तो मैं उन ऐसे लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वाई आर वी वेटिंग, आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन मैं निकालूं? जब आप ये आग भड़की है, गर्म हुई है, तो एक साथ जिनको सज़ा मिलनी हो एक साथ ही मिल जाए तो बेटर है ना। आज मीटू है, कल पता नहीं मीटू मूवमेंट हो ना, आपकी बात कौन सुनेगा फिर? अब मौका मिला था, आई थिंक एवरीबडी शुड कम आउट एंड जस्ट गिव एवरीबडी व्हाट दे हैव डन, गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। थैंक यू सर। थैंक यू।